हेलो। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि हमारी आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपके साथ में सेकंड क्लास है, और फर्स्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में समझा था। गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, एक कंजम्पशन गुड्स और एक हमने कैपिटल गुड्स। फर्स्ट क्लास होने के बाद, और जो फर्स्ट क्लास जहां पे मैंने छोड़ा था, आज मैं वहीं से इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है एंड फाइनल गुड्स क्या है। इसके एग्जाम्पल्स को भी समझना होगा हमें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। देखिएगा, आज अगर आप बात मैं करता हूं यहां पर इंटरमीडिएट एंड फाइनल, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन यहां से आपको बहुत सारे सवालों के आपको जवाब मिल पाएंगे। सबसे पहले, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। वो कौन से मेथड्स हैं, जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तब हम उस मेथड्स पे आएंगे। लेकिन फिलहाल बेसिकली आप दो मेथड्स के बारे में भी आप सुन लीजिए, डिटेल में बाद में बात करेंगे। एक मेथड इसमें है हमारा इनकम मेथड। जाहिर सी बात है, नेशनल इनकम का मतलब आप इस बात को अच्छे से जान चुके थे, समझ चुके थे कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे रेजिडेंट्स हैं उन सभी रेजिडेंट्स की इनकम का जो सम आएगा, उस सम को हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। इस बात को आप अच्छे से समझ चुके हैं, क्लियर है? तो सबसे पहले तो एक इनकम मेथड से तो आपको एक बात समझ में आ गया कि इनकम मेथड में क्या करने वाले हैं। इनकम मेथड में जितने भी लोग जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, जो उनकी इनकम है, हम उन सबके इनकम का सम करने वाले हैं। वो कैसे होगा वो मैं जब कैलकुलेट करवाऊंगा तब मैं वहां पर आपको इस बात पर चर्चा करूंगा, फॉर्मेट भी बताऊंगा उसका। उससे पहले भी बहुत कुछ हमें सीखना है, समझना है। तो इनकम मेथड में तो एक बात तो समझ में आती है, चलो नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, सबों की इनकम निकाल रहे हैं तो सबके इनकम को ऐड कर देते हैं, ये बात समझ में आता है। लेकिन नेशनल इनकम निकालने का और भी मेथड्स हैं। एक एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में कौन कितना खर्च कर रहा है, ये मेथड भी है नेशनल इनकम निकालने में। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि इनकम मेथड में एक बात तो समझ में आती है कि कौन कितना कमा रहा है उसको जोड़ देंगे तो हमारी नेशनल की इनकम आ जाएगी, लेकिन कौन कितना खर्च कर रहा है इससे कैसे नेशनल इनकम आ जाएगा? और जबकि आप देखेंगे आंसर्स आपके डिफरेंट नहीं होंगे, आप किसी भी मेथड से जाएंगे आपका आंसर सेम ही होगा। लेकिन अभी मैं उस चीज पर लेके नहीं जा रहा हूं कैसे कैलकुलेट होता है, उससे पहले बहुत कुछ समझना है, उस चीजों को मैं समझा रहा हूं आपको। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, थ्योरी है, थ्योरी में उन बातों को समझना होगा आपको, इसलिए सारी चीजें चर्चा में आपके हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे आप किसी की जो है पूरे देश की आप इनकम को कैलकुलेट कर लोगे, सवाल ये आपका बनता है इस समय। तो बच्चे मेरी बात को आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। अभी सब कुछ मुझे पता है कि आप इंटरमीडिएट और फाइनल के ऊपर हैं, मैं यहीं से उस चीजों को क्लियर करूंगा। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक किसान है जो कि कॉटन प्रोड्यूस करता है और 2,000 रुपए का उसने जो है कॉटन प्रोड्यूस करा, क्लियर है? और उसने क्या करा, कॉटन बनाने में उसको 2,000 रुपए लगे हैं, बनाने में 2,000 लगे हैं, इसका मतलब ये हुआ जो भी उसका कॉस्ट आया है प्लस में जो भी उसका अपना प्रॉफिट, जो उसकी आमदनी थी, सब कुछ मिला करके उसने रखा कि मैं 2,000 रुपए में कॉटन दूंगा। इसमें सबकी इनकम शामिल है, उस किसान की भी इनकम शामिल है, जो पीछे से जिससे लाया था उसकी भी इनकम शामिल है। अब वो किसान क्या करता है, वो बी को बेच देता है 2,000 रुपए में। तो 2,000 रुपए बी को बेचा और बी ने क्या करा, उससे धागा बना दिया कॉटन से, और उसने 3,000 रुपए का उसको सी को बेच दिया। सी ने क्या करा, उस धागे से जो है कपड़ा बना दिया 4,500 रुपए का, और उसने 4,500 रुपए में कंज्यूमर को बेच दिया, और कंज्यूमर ने 4,500 रुपए का कपड़ा जो है वो खरीद करके पहन लिया। तो एक जो कंज्यूमर है उस कंज्यूमर ने, बताइए एक्सपेंस कितना करा, उस कंज्यूमर ने एक्सपेंस कितना करा, उस कंज्यूमर ने 4,500 रुपए एक्सपेंस करा। अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड में लोगों के एक्सपेंस को लेता हूं, अगर मैं इसके 4,500 रुपए को कंसिडर कर लेता हूं, तो ये 4,500 रुपए में किस किस की आमदनी आ जाएगी? इस 4,500 रुपए में ये 2,000 भी इंक्लूड है, प्लस में यहां पर से 4,500, ऐसे नहीं बना 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500, ऐसे नहीं बना। 2,000 रुपए में इसने बेचा और इसने आगे 3,000 में बेचा और इसने आगे 4,500 में बेचा। अगर मैं 4,500 रुपए इसके एक्सपेंस को ले लेता हूं, तो इसमें इस किसान की भी इनकम है, इसमें इस जो है जो धागा बनाया है फैक्ट्री ने उसकी भी इनकम शामिल है, उसके एम्प्लॉय का इनकम शामिल है, और यहां पर जो है जिसने कंज्यूमर को बेचा उसकी भी आमदनी शामिल है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग जा करके सबसे इनकम पूछने से अच्छा है कि एक बार एक्सपेंडिचर को ले लो, उसमें पीछे जितने लोगों ने कमाया उन सबकी आमदनी आ जाती है। मेरी बात समझे नहीं समझे?
क्लियर है, बात समझ रहे हैं आप? लेकिन गड़बड़ी क्या होती है उस बात को समझना होगा आपको। अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड में अगर आप एक्सपेंस को देख रहे हो, तो ये जो प्रोसेस था ना, इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, ये खुद यूज नहीं कर रहा था, इसने आगे क्या करा, पास करा। इसने भी खुद यूज नहीं किया, आगे पास किया, और इसने भी खुद यूज नहीं किया, इसने भी क्या करा, आगे पास किया। तो जो ये आगे पास कर रहे हैं ना, ये जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्लक्शन का प्रोसेस चल रहा है, अभी पूरी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुआ था यहां पर, ये प्लक्शन बाउंड्री के अंडर में था, यहां पर ये पूरा प्लक्शन नहीं हुआ था, ये भी प्लक्शन बाउंड्री के अंडर में था, ये आगे पास कर रहे थे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इस प्रोसेस में ये जो गुड्स पड़ा हुआ है ना, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। इसने कपड़े को पहन लिया, अब यहां पर इसके लिए ये गुड्स क्या हो गया, ये फाइनल गुड्स हो गया। तो आपको समझना होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या, फाइनल गुड्स क्या है। फाइनल गुड्स की नेशनल इनकम के अंदर जगह होती है, क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स के पीछे पड़ गए, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर होने वाले एक्सपेंस के पीछे अगर आप पड़ गए, तो आपके साथ में होगा क्या? अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स के एक्सपेंस के पीछे पड़ जाएंगे, तो आप ये 2000 भी ले लोगे, बोलोगे 2000 खर्चा हुआ है, खर्चा 3000 हुआ है, इसके खर्चे भी ले लोगे 5000 रुपए, आप इसके खर्चे भी ले लोगे 4500 रुपए, तो 9500 रुपए आप बोलोगे खर्च हुआ है। लोगों की आमदनी 9500 रुपए हुई है, लेकिन क्या ऐसा वास्तविक में हुआ है? क्या लोगों ने 9500 रुपए कमाया है? बिल्कुल नहीं। इस लास्ट पेमेंट 4500 रुपए की हुई है, इसने 4500 रुपए में से क्या करा है, 3000 पीछे पास किया है, इसने 1500 रुपए ही कमाया है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? इसने कितना कमाया, 1500 कमाया, क्लियर है जी? और इसने पीछे क्या करा, 1000 रुपए में, तो इसने यहां पर कितना कमाया, 2000 पास कर दिया इसने, तो इसने 1000 रुपए कमाया, क्लियर है? और यहां पर इसने कितना कमाया, किसान ने बना करके 2000 रुपए। तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो सबकी आमदनी कितनी बन रही है, क्या 9500 बन रही है या 4500 बन रही है, कुल मिलाकर सबकी आमदनी 4500 बन रही है ना सबकी आमदनी। तो यहां पर इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंस होता है ना, उस एक्सपेंस को नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे रिपीटेशन आ जाता है, ये एक्चुअल नेशनल इनकम को नहीं बताता, ये ज्यादा बता देगा नेशनल इनकम को, क्लियर है? तो जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड में जाओगे, तो एक बार बताइए आप फाइनल गुड्स, जो फाइनल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, फाइनल गुड्स के सिचुएशन में जो एक्सपेंस हो रहा है, उस एक्सपेंस को आप लोगे या इंटरमीडिएट पे जा करके भी उन एक्सपेंस को कैलकुलेट करोगे? बताइए क्या करेंगे आप? फाइनल ही आप एक बार ले लोगे तो सबका ऑलरेडी उसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो यहां से आपको समझना होगा कि इंटरमीडिएट क्या है और फाइनल क्या है। जब कोई गुड्स अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, जिसने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, जो आगे रीसेल करने के पर्पज से है, जिसमें अभी वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन मतलब 2 से 3000 का एडिशन, 3000 से 4500, वो सारे गुड्स जो रीसेल करने के पर्पज से है, जिसमें वैल्यू एडिशन होगा, जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अभी अंदर है, वो सिचुएशन में जो गुड्स पड़ी हुई हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब आप कहेंगे सर एग्जांपल लेके बताइए कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट होता है, एग्जांपल से आप कहेंगे। तो बच्चे दुनिया के सारे गुड्स इंटरमीडिएट होते हैं, और वही सारे के सारे गुड्स फाइनल गुड्स भी होते हैं। तो किसी गुड्स के ऊपर टैग नहीं है कि इंटरमीडिएट है फाइनल है, हर गुड्स इंटरमीडिएट भी होता है और वो फाइनल भी होता है। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स अलग अलग होता है, और आप कह रहे हो कि सारे के सारे गुड्स इंटरमीडिएट होते हैं और सारे के सारे गुड्स फाइनल होते हैं। तो जी जैसे कि सास भी कभी बहू थी नहीं थी, दुनिया की जितनी भी सास है कभी ना कभी बहू थी या नहीं थी, बताओ। तो ऐसे जितने भी फाइनल गुड्स है ना दुनिया में, ये कभी ना कभी इंटरमीडिएट गुड्स थे। जब ये प्रोडक्शन के बाउंड्री के अंडर में थे, जब इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा था, जब ये प्रोसेस में थे, जब ये रीसेल हो रहे थे, उस सिचुएशन में ये गुड्स क्या था, ये एक इंटरमीडिएट गुड्स था। एक मेडिसिन बन रहा है वो इंटरमीडिएट में, क्योंकि वो आगे उसको बेच देगा। अब वो मेडिकल शॉप पर आया, उस मेडिकल शॉप पर भी क्या है, वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो भी आगे उठा करके इसको बेच देगा, वैल्यू एडिशन करेगा उसमें, जिस रेट पे लाया उससे ज्यादा में बेचेगा, आगे रीसेल करेगा। अब आपने उसको लेकर के कंज्यूम कर लिया, अब वो आपके लिए फाइनल गुड्स बना। तो वही टैबलेट जो एक समय पर इंटरमीडिएट था, अब आपके लिए क्या है, फाइनल। तो कोई गुड्स इंटरमीडिएट है या फाइनल गुड्स है, ये गुड्स की टाइप पर डिपेंड नहीं होता है, उसकी सिचुएशन पर डिपेंड होता है कि वो किस सिचुएशन में पड़ा हुआ है।
तो आपको इसके लिए ना आपको गुड्स के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिचुएशन को समझने की जरूरत है। जब भी आप अपना आंसर करो, जब भी आप क्लासिफाइड करो कि गुड्स इंटरमीडिएट है या गुड्स फाइनल है, तो उस समय आपको उस गुड्स के ऊपर मत जाना, उस गुड्स की सिचुएशन में पड़ा हुआ है उस सिचुएशन में जाना। अगर आपको लगे ये आगे रीसेल हो रहा है, अगर आपको लगे कि ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अभी अंडर में है, अगर आपको लगे वैल्यू एडिशन इसके अंदर होगा, उन सभी सिचुएशन में आपके लिए वो गुड्स क्या होगा, उन सभी सिचुएशन में बोल देना आप कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए जो रॉ मटेरियल होता है ना बच्चे, जो रॉ मटेरियल होता है, अब रॉ मटेरियल अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए जो दर्जी कपड़ा सिलता है उसके लिए रॉ मटेरियल धागा हो गया। क्लियर है? आप एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए जो चीनी बना रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल गन्ना हो गया। तो एक फर्म में दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा, किसी भी फर्म में जाइएगा दो चीजें मिलेंगी। एक तो आप उस फर्म में जब नजर आप घुमाएंगे तो एक तो रॉ मटेरियल मिलेगा और एक आपको मशीनरी दिखेंगी। तो जो कैपिटल गुड्स होती है ना, फर्म की मैं बात कर रहा हूं, सारी की सारी कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स होती है, क्योंकि वो एक कोई एक फर्म है ना। अगर आप एक मेडिकल की शॉप पर जाते हैं, वहां पर रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है जो कि मेडिसिन बेचता है, तो वो उसके लिए रेफ्रिजरेटर कैपिटल गुड्स है। वो कभी भी वो रेफ्रिजरेटर को बेचने के पर्पज से नहीं लाया था, वो आगे उसमें वैल्यू एडिशन भी नहीं करेगा, उसमें सारे प्रोडक्शन बाउंड्री को उसने क्रॉस कर दिया है। तो एक फर्म के पास में जो कैपिटल गुड्स होता है वो कैपिटल गुड्स उसका फाइनल गुड्स होता है, और जो फर्म के पास में रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स होता है, क्योंकि उसमें अभी वैल्यू एडिशन होना है, वो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंडर में है, अभी उसके अंदर जो है इस तरीके के प्रोसेस को वो अभी वो आगे कंटिन्यू रीसेल के पर्पज से वो है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? तो अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो एक दर्जी के पास में पड़ा हुआ धागा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स है? धागा है एक दर्जी के पास में, इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये धागा अभी आगे रीसेल हो जाएगा, आगे चला जाएगा, बिक करके 2 रुपए धागा लगाया तो आपसे 50 रुपए चार्ज कर लेगा, रॉ मटेरियल है उसके लिए। लेकिन उसकी जो मशीन है जिससे कपड़े सिल रहा है, वो मशीन क्या है? वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि उसके लिए कैपिटल गुड्स है, वो मशीन उठा के थोड़ी बेच देगा किसी को। समझे या नहीं समझे आप? क्लियर है या नहीं है? तो ये इस बातों को आप समझ पा रहे हैं? चलिए फिर यहां पर मैं और भी एग्जांपल से अभी हम क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी जो हमने पढ़ा है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर लिखा क्या है। इतने एग्जांपल लेने के बाद मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जो है देखिएगा, फाइनल गुड्स को हम क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स को हम बोलते हैं अंतिम वस्तु। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो जाता है कि अंतिम वस्तु वो जिसका अब अंत हो जाएगा, इसके आगे इसको आगे नहीं बेचा जाएगा, जिसमें मूल्य वृद्धि नहीं होगी, जिसको जो है पुनः बिक्री के लिए नहीं इस्तेमाल में लाया जाएगा, जो उत्पादन प्रक्रिया के अंदर है, जो उत्पादन सीमा को अभी उसने पार नहीं किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तु। और जो गुड्स फाइनली अब कंजम्पशन हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? अंतिम वस्तु। तो यहां मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको क्या अंतिम वस्तु। तो फाइनल गुड्स रेफर टू दोस गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर कंजम्पशन फॉर और इन्वेस्टमेंट। क्या रहा है कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं, अंतिम वस्तु में वह वस्तु है जिसका इस्तेमाल या तो उपभोग के लिए कर लिया जाता है, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कर लिया जाता है। कैसे? आपके घर में जो भी चीजें आप ला रहे हैं, जो भी चीजें आपके अपने घर में आप अगल बगल देखिए, उन सब कंजम्पशन का मतलब खाना नहीं होता है, कंजम्पशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना। अगर आप मैंने कपड़ा पहना हुआ है तो मैं ऐसा कंजम्पशन कर रहा हूँ, पहले इस बात को आप समझिएगा। तो आपके घर में जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं आप सबका इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, आगे इसको बेचने के लिए आप लाए ही नहीं है। आपको कोई नहीं, सर मैं तो अपने मोबाइल मैंने बेच दिया था किसी को सेकंड हैंड। जी आपने कोई वैल्यू एडिशन करके थोड़ी बेचा था आपने उस चीज को, जब आपने लेने वक्त में आपने सोचा नहीं था कि मैं इसको बेचूंगा। जब आप ले ही इस परस्पेक्टिव से रहे कि आगे आपको इसको रीसेल करना है, उस इंटेंशन को कहते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स कहां कहां मिलती है? एक तो उसका कंजम्पशन कर लिया जाता है, मतलब कि अंतिम वस्तु जिसका उपभोग कर लिया जाता है, या फिर उसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, मतलब कि उसका निवेश कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट क्या? मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी भी फर्म के अंदर जो कैपिटल गुड्स होती है, जो प्लांट एंड मशीनरी होती है किसी फर्म के अंदर, वो जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हेल्प करती है, जो चीजों को प्रोड्यूस करवाती है, वो सारे के सारे कैपिटल गुड्स आपका फाइनल गुड्स होता है।
तो वो कैपिटल जो होता है प्लांट एंड मशीनरी, ये इन्वेस्टमेंट ही तो है, मेरी बात समझे। तो फाइनल गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिसका इस्तेमाल या तो उपभोग के लिए कर लिया जाता है या फिर उसका इस्तेमाल निवेश के लिए किया जाता है। फाइनल गुड्स इंक्लूड गुड्स परचेस्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मेड फॉर फाइनल कंजम्पशन, लाइक मिल्क परचेस्ड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड किसे कहते हैं? जो आपके घर में, मैं आपको बोलता हूं कि जो भैया आपके परिवार के बारे में बात करता हूं, आपके परिवार में कौन कौन है, तो आपके मन में जो इमेज आ गई ना परिवार में, भाई बहन पापा मम्मी सब दिख रहे हैं, इसी चीज को हम हाउस होल्ड बोलते हैं। क्लियर है जी, समझ गए? इसको हम क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड। और हिंदी में इसको परिवार ही बोलते हैं हम, ठीक है जी। तो यहां पर ये फाइनल गुड्स कहां पर यूज होता है? हाउस होल्ड में यूज होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी आ जाते हैं जो कि बच्चों को जो है कंफ्यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं, एग्जाम्पल सुनिएगा। ब्रेड, रोटी, रोटी की बात करते हैं, रोटी बताइए जो चपाती है वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स? रोटी आपके जो है जो चपाती है वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? हाँ, क्योंकि मैंने सिर्फ यहां पर एक नाम दिया है, इस नाम से आप ये नहीं बता पाओगे कि ये फाइनल है या इंटरमीडिएट है, अंतिम वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तु है, आप नहीं बता सकते हो। क्यों? आपको कोई गुड्स पे डिपेंड नहीं करता ये चीज, ये डिपेंड करता है उसके सिचुएशन पे, उसका इस्तेमाल पर। तो आपको इसका इस्तेमाल मैं बताता हूं, अभी आप बता ही नहीं सकते थे कि ये वो अंतिम है वो या फिर मध्यवर्ती है, फाइनल है या इंटरमीडिएट है, उस चीज को आप बता ही नहीं सकते थे, क्योंकि कोई प्रोडक्ट पे डिपेंड चीजें नहीं करती है, उसके यूज पे डिपेंड करती है। अगर होटल में अगर वो चपाती बन रही है तो वो आपका मध्यवर्ती वस्तु है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो आगे इसको रीसेल कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है। क्लियर है जी, समझ रहे हैं आप? और वही चपाती अगर आपके घर में बन रही है तो वो आपका अंतिम वस्तु है, जिसको आगे आप बेचोगे नहीं, वैल्यू एडिशन होगा नहीं, उसका आप कंजम्पशन कर लोगे, समझे? तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि कोई भी गुड्स, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि फाइनल है ये इंटरमीडिएट है, उसके यूज पे जाएंगे आप। तो ये कह रहा है कि फाइनल गुड्स क्या है? लाइक मिल्क परचेस बाय हाउस होल्ड। आप हाउस होल्ड मिल्क परचेस कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो कंजम्पशन के लिए ही कर रहा है। क्लियर है ना? गुड्स परचेस बाय फर्म फॉर अ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट को, जो पूंजी का निर्माण, ठीक है ना, इसे पूंजी निर्माण कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन को पूंजी निर्माण, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इसे कैपिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट लाइक मशीनरी परचेस बाय अ फर्म। इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड। फाइनल गुड्स को कभी भी बेचा, दोबारा पुनः बेचा नहीं जाता है, नॉर यूज फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और उसके अंदर किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब कोई प्रकार कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आप अपने घर में कोई सामान उठा के ले आए, मैं ये बोर्ड ही लेकर के आया तो मैं इसमें क्या परिवर्तन करूंगा, बताइए? अब इसके अंदर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जब ये किसी कंपनी में पड़ा हुआ था तो वहां होता, बट इसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो फाइनल गुड्स में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। बात उसी साल की कर रहे हैं, उसी साल में या तो उसका जो है उत्पादन किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, या उसको बेच दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे स्थिति में किसी भी वस्तु को हम मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे और इसको हम फाइनल गुड्स कहेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड गुड्स परचेज फॉर रीसेल, लाइक मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप। जो डेयरी है, दूध की डेयरी है, वो भी दूध खरीद के लाते हैं, तो ये जो डेयरी वो खरीद दूध ला रहे हैं, बेचने के लिए तो ला रहे हैं, तो ये क्या हमारा इंटरमीडिएट है। गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज फॉर द मेकिंग स्वीट्स। एक मिठाई वाला दूध खरीद रहा है, उसके लिए भी इंटरमीडिएट है, क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल है ना, ये इसको आगे बेच करके वैल्यू एडिशन करेगा ना इस दूध में। 100 रुपए का दूध का माल को वो 200-250 रुपए में 300 रुपए बेच देगा, समझे नहीं समझे आप? तो आप सिर्फ मिल्क पे मत जाना कि मिल्क हाँ फाइनल गुड्स नहीं, इस्तेमाल पे जाइए। हाउस होल्ड पे है तो भैया वो उसको खत्म कर देगा, वो उसका रीसेल नहीं करेगा, तो वो आपका फाइनल अंतिम वस्तु है। अगर एक स्वीट्स की दुकान पर है, मिठाई की दुकान पर है वो दूध लेकर आ रहा है, तो फिर वो क्या है, वो आपका फाइनल गुड्स है, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स है।
प्रोडक्शन बाउंड्री की बात कर रहे हैं, जो मैं बार बार कह रहा था, ये सारे के सारे प्रोडक्शन बाउंड्री दिख रही थी आपको, ये प्रोडक्शन बाउंड्री है। अब यहां पर चीजें फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंच गई है। द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिविटी सेक्टर, एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन द विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री दे आर इंटरमीडिएट गुड्स, एंड वेन अ गुड्स कम्स आउट ऑफ दिस बाउंड्री इट बिकम्स अ फाइनल गुड्स। इन द गिवन डायग्राम देर आर द थ्री प्रोडक्शन यूनिट्स लाइक ए बी एंड सी, क्लियर है? तो यहां पर आपको बताया गया है कि यहां पर तीन बाउंड्री दिया था, जो बाउंड्री के अंदर है भी प्रोडक्शन का काम चल रहा है वो हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है, और जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया उसमें कोई भी काम होना बाकी नहीं है, तो वो हमारा क्या है, फाइनल गुड्स है। ये चीज आपको समझ में आई? तो बात करते हैं हम किस चीज के, बात करते हैं हम यहां पर डिफरेंशिएट की। फाइनल एंड कंज्यूमर गुड्स सेम होते हैं बच्चे, फाइनल गुड्स, हाँ सारे कंज्यूमर गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं और सारे के सारे कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है? बार बार आपसे किसी फर्म का एग्जांपल पूछेगा, फर्म में ये इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है, आप बस कैपिटल गुड्स को छोड़कर जो भी बोलेगा ना फर्म में सबको आप इंटरमीडिएट ही बोलेंगे। कैपिटल गुड्स क्या होगा, जिसको 10 15 20 साल तक आपको लगेगा ये 20 साल तक इसका इस्तेमाल करने वाला, 10 15 20 साल तक, लंबे समय तक, बस वही कैपिटल गुड्स है, सारे कैपिटल गुड्स नहीं है, समझे? अब एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, अब उस कोयले को थोड़ी बोलोगे आप कैपिटल गुड्स, वो तो अभी जला के राख कर देंगे, समझे? तो कोल क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, समझे? क्लियर है? आप अपने घर में हाथ सेक रहे हो उससे, तो वो फाइनल गुड्स हो गया उस सिचुएशन में। देखिए डिफरेंशिएट करते हैं बेसिस, क्योंकि देखिएगा हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन आपके मन में सवाल आता है कि सर ये सवाल क्या 15 नंबर का आएगा? बच्चे आपने पेपर दिया है, आपको इस चीज का एक्सपीरियंस है, आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट है, अब तक आप पहले 5 सेमेस्टर के पेपर आप दे चुके हैं, आपको पता है कि एक सवाल कोई 15 नंबर का कभी नहीं आता है, एक सवाल के अंदर 3 सवाल जुड़े होते हैं, 2 सवाल जुड़े होते हैं जो 15 नंबर का आपका बनता है, समझ रहे हैं? तो कई बार 3 सवाल, कई बार 3 सवाल जोड़ के 15 नंबर का बना देता है, तो अगर आपके पास में 3 सवाल 15 नंबर का जोड़ के बना दिया और 5-5 नंबर का ईच है तो सफिशियंट है आपका 5 नंबर के लिए, समझे? क्लियर है जी? अब सामने देखिए इस चीज को, तो डिफरेंशिएट बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, मीनिंग फाइनल गुड्स रेफर टू दोस गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ लिया। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोस गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर नेचर, दे आर इंक्लूड इन द बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, इसको नेशनल इनकम में शामिल करेंगे ना फाइनल गुड्स को, ये मैंने बताया था, क्लियर है? लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में अंदर शामिल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में अंदर शामिल, बताइए? फाइनल गुड्स को तो करेंगे नेशनल इनकम में अंदर शामिल, बट इंटरमीडिएट को क्यों नहीं करेंगे? जब फाइनल को कर ही रहे तो सारा ही आ गया ना, वो पीछे से लेकर अभी तक का आ गया, तो फाइनल में तो सब कुछ काउंट होता है, इंटरमीडिएट में करके डबल काउंट ही नहीं हो जाएगी, तो ये आपका जो है आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। डिमांड, दे हैव अ डायरेक्टली डिमांड एज दे सेटिस्फाइड द वांट डायरेक्टली, फाइनल गुड्स डायरेक्टली वो यूज में आ जाती है तो डायरेक्टली सेटिस्फाइड कर देती है। दे आर द डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड कितनी होगी भाई, फाइनल गुड्स की डिमांड जितने हाउस होल्ड मांगेंगे उतना ही तो इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, समझे नहीं समझे आप? तो फाइनल गुड्स की जितनी ज्यादा डिमांड होगी ऑब्वियसली इंटरमीडिएट गुड्स की भी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स में तो और वैल्यू एडिशन नहीं होता, दे आर रेडी फॉर यूज फॉर देयर फाइनल यूजर्स,
नो वैल्यू हैज टू बी एडिड टू द फर्म, इसमें फिर वैल्यू एडिशन नहीं होता है। जब वो गुड्स कोई फाइनल बन चुकी है ना, अब उसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं होता। अपने घर पे फोन ला करके उसको ज्यादा में बेचने की कोशिश करो, बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। देखिए इंटरमीडिएट के सिचुएशन में ना, इसमें जो वैल्यू एडिशन होता है, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, सम वैल्यू हैज टू बी एडिड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। प्रोडक्शन बाउंड्री, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। जब आपके घर में कोई टेलीविजन लेकर के आ गए तो कंपनी भागा के पीछे पीछे नहीं आएगी, रुक जाओ, इसका भी एक चीज और पेंट करना रह गया। फाइनल गुड्स में सारी चीजें ऑलरेडी प्रोडक्शन बाउंड्री के साथ सब कुछ क्रॉस कर चुकी है वो, समझे नहीं समझे आप? आपने कपड़ा पहन रखा, वो आ गए घर पे, बोल रहे हैं कपड़ा दो, इसमें थोड़ा सा और कलर करना रह गया था। अगर रह भी गया था तो वो नहीं करेंगे, समझे नहीं समझे आप? तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका जब फाइनली आ गया तो, बट ये अभी भी इसमें प्रोडक्शन बाउंड्री इसमें होता रहता है। कैसे? देखिएगा दिवाली में गिफ्ट देखते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट, इतने बड़े बड़े पैकेट होते हैं, है ना, निकालोगे तो एक 10 रुपए वाला आपको जो कुरकुरे मिलेगा उसमें। इसे कहते हैं कि वो अंडर प्रोसेस होता है जो कुरकुरे होता है। वो क्या करते हैं लोग बाग, बड़े सा डब्बा ला करके उसके अंदर पैक कर करके बड़े सा एक रैपर चमकीला सा पन्नी लगा देंगे तो उसमें उसमें कुछ कुछ काम और कर देते हैं उसको, चमक दमक दिखा करके, और फिर वैल्यू एडिशन करके बेच देते हैं। 10 रुपए का कितने लाते हैं? 250 का लाते हैं, 300 का लाते हैं, समझे ही समझे। लेकिन शिक्षा धाम वाले जो है ना, वो अपने स्टाफ को ऐसी चीजें नहीं देते हैं, वो बहुत बहुत भारी भरकम गिफ्ट देते हैं। हाँ जी, मिल्क परचेस बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, कार परचेस बाय एज एन इन्वेस्टमेंट। समय आया नहीं है आपको? आगे देखिए, मिल्क यूज इन डेयरी शॉप फॉर रीसेल। ये सारी चीजें क्या है? एग्जाम्पल्स हैं किसके? इंटरमीडिएट गुड्स के। क्लियर है भाई? समय आया नहीं है आपको? शिक्षा धाम में कुछ स्टाफ कहना है सर कुछ मिला ही नहीं, तो ऐसा धोखाधड़ी से अच्छा कुछ दो ही ना। क्लियर है जी भाई? समझ में आ रहा है आपको? ये बताइए जरा, और ध्यान रखिएगा रेफरल चल रहा है भैया, अभी बच्चे एनरोल नहीं हुए हैं, कुछ बच्चे जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं रेफरल के अंदर लेकर के आइए, आपके पास तो नंबर है, उसका बेनिफिट करिए और इतने रेफरल तो ले आइए कम से कम आपका फीस फ्री हो जाए, समझ रहे हैं ना? बीच बीच में थोड़ा सा जरूरी भी है। समझ में आया जी आपको? क्लियर है? हाँ जी, आइटम्स कैटेगराइज एज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड द फाइनल गुड्स। पेपर, क्लियर है जी? समझ में आया आपको? अब कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं जो कि पीछे से भी लिए गए और अभी आपके करंट एग्जांपल भी लिए गए, कुछ सीबीएसई से उठाए गए जो पेपर में पूछ रहे हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल जरूर लिए गए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इस एग्जांपल को लिया गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फिर तो आप किसी भी एग्जांपल को सॉल्व कर दोगे। फर्नीचर, जैसे कि आपके पास है पेपर परचेस बाय पब्लिशर, बताइए क्या होगा? ये पब्लिशर, पब्लिशर है वो पेपर खरीद करके लाता है। क्लास रुक गई है क्या सबकी? अच्छा, यहां पर अक्षय कह रहे हैं कि क्लास रुक गई है। किस किस बच्चे की क्लास स्टॉप हुई है जरा जल्दी से बताएंगे मुझे? जिन बच्चों की क्लास रुक गई है, सभी ज्यादातर बच्चों रुकी हुई क्लास, तो मैं रुक जाता हूं, एक बच्चे की प्रॉब्लम है तो मैं कंटिन्यू करता हूं। सब कुछ ठीक है, चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। पेपर परचेस बाय पब्लिशर, ये एक इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि पब्लिशर क्या करेगा, इस पेपर पे पब्लिश करके बुक को और आगे रीसेल कर देगा, उसके लिए एज अ रॉ मटेरियल है, ठीक है। आगे फर्नीचर परचेस बाय स्कूल, स्कूल फर्नीचर परचेस कर रहा है, उसके लिए क्या है भैया? वो अभी स्कूल है कोई, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, तो फर्नीचर खरीद करके वो टैक्स थोड़ी बेचते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? वो फर्नीचर को तो एज अ कैपिटल यूज, वो लंबे लंबे समय सालों तक उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। मिल्क परचेस बाय हाउस होल्ड फाइनल गुड्स, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि गुड्स इंटरमीडिएट या फाइनल है। परचेस ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, क्लियर है जी? ये सारे के सारे, ये क्या आपका इंटरमीडिएट है। कॉल यूज बाय द मैन्युफैक्चरिंग फर्म,
ये क्या है उसके लिए? इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रोडक्शन में, बट ये कैपिटल गुड्स तो नहीं है ना कॉल उसके लिए, कोयला। तो ये चीजें समझ में आपको आई या नहीं आई बताइए। बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा पहले करेंगे, 5:10 के आसपास, 5:05 के आसपास, ताकि आपको पूरा 1 घंटा मिल पाए, क्योंकि अगले क्लासेस का टाइम भी बैक टू बैक हो जाता है। ठीक है जी, फिलहाल आप फाइनल इंटरमीडिएट को समझ पाए, ऐसे ही हर कुछ इतना ही आसान पूरा नेशनल इनकम आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि थ्योरी में आपको इतने अच्छे तरीके से करवा दूंगा कि नेशनल इनकम में जो भी कुछ गिवन होगा उसको समझ पाओगे, और आप उसका जो है फॉर्मूला भी आप लिख पाओगे। मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ, आपकी जो क्वायरी है, जो हैंड रेस कर रहे हैं, सचिन के पास होता है मेरा नंबर भी, आप वैसे भी पूछ लीजिएगा, बाकी कल मैं आपको पूरा मौका दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। स्पीड कैसे हम आगे बढ़ाएं इसके बारे में मैं बात करूंगा, इसके ये आपको लिखने से, प्रैक्टिस करने से ही होगा, अपना मॉक टेस्ट देने से ही होगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।